नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जानकारी के मुताबिक उनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। मंगलवार देर रात अरविंद को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। वहीं उनके देहांत की खबर से उनके साथ काम कर रहे स्टार्स भी शोक में हैं। लोकप्रिय सीरियल रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में एक दमदार सितारा इस दुनिया को अलविदा कह गया। आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी ने मंगलवार रात को मुंबई में आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ऐसे में मंगलवार देर रात उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं अरविंद त्रिवेदी का अंतिम संस्कार आज मुंबई की कांदिवली वेस्ट में स्थित दहानोपुर वादी शमशान घाट में किया गया। आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी को सबसे ज्यादा उनके रामायण में निभाई गई रावण की भूमिका के लिए जाना जाता है। वहीं अरविंद त्रिवेदी ने रावण का इतना दमदार किरदार निभाया था कि उनके आगे सारे कलाकार टीवी पर आज भी फीके नजर आते हैं। वो कड़क आवाज और वो अकड़कर चलने का अंदाज आज भी लोगों को खूब पसंद है। वहीं रामायण जब भी टीवी पर आती है तो दर्शक टकटकी लगाए अपने चहेते रावण को देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते हैं। हालांकि अरविंद त्रिवेदी का रावण वाला किरदार इतना लोकप्रिय था कि हर कोई अभिनेता की तरह इस किरदार को जीने की कोशिश करता आज भी रामलीला में नजर आता है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय टेलीविजन के इस आइकॉनिक किरदार को निभाने के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने विक्रम और बेताल में भी अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, अरविंद त्रिवेदी ने अपने एक्टिंग करियर के 3 दशक गुजराती सिनेमा को भी दिए। देश रे जोया दादा परदेश जोया अरविंद की सबसे लोकप्रिय गुजराती फिल्मों में से एक है। वहीं त्रिमूर्ति जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाकर बॉलीवुड में फेमस होने वाले अरविंद त्रिवेदी राजनीति से भी जुड़े थे। ऐसे में एक दमदार कलाकार का दुनिया से चले जाना बहुत ही दुखद है। अरविंद त्रिवेदी एक बेहद ही उम्दा कलाकार थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और टीवी इंडस्ट्री भी शायद ही अब उनकी कमी को कभी भर पाएगी। न्यूज 31 की पूरी टीम अरविंद त्रिवेदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।